हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आप देख सकते हो धूप निकल आई है और अभी टाइम हुआ है 7:15। मॉर्निंग का टाइम है बट फिर भी धूप काफी तेज निकली है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का दिन है थर्सडे एंड आज की जो डेट है वो है 24 जून 2021। और अभी मैं हूँ अपने गार्डन में, आप देख सकते हो, और ये चिड़िया भी काफ़ी अच्छा चहक रही है, चू चू कर रही है मतलब। तो अभी आई हूँ मैं गार्डन में, गार्डन में थोड़ी सी हवा चल रही है, धूप तो आप देख सकते हो पीछे से आ रही है, बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है तो थोड़ा सा मौसम अच्छा है। तो दोस्तों, कल दोपहर का मौसम तो मैंने आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बट उसके बाद फिर से वही, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बट इतना था कि थोड़ी सी हवा चलने लगी थी। तो अभी जा रही हूँ मैं ऊपर और देखती हूँ कि आज क्या नाश्ते में बनने वाला है या फिर क्या मैं बनाऊँगी। तो दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है 10:37 और मैं ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। एंड मैं ब्रेकफास्ट आज शूट नहीं कर पाई क्योंकि गाइस, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे कुछ अपने फ़ोन से क्लिप डिलीट करनी थी तो मैंने वो क्लिप डिलीट की। उसके साथ साथ मेरे जो मतलब व्लॉग्स भी थे जो मैंने एडिट कर चुकी थी मैं, वो भी डिलीट हो गए। तो दोस्तों, जब मेरे वो व्लॉग डिलीट हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने रिस्टोर कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़े से वीडियोस देखे और उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने उन सारी क्लिप्स को दोबारा से रिस्टोर किया। फिर जो मैं डिलीट करना चाहती थी वो भी आ गए और जो नहीं करना चाहती थी वो भी आ गए। तो फिर क्या किया मैंने, जो मैं नहीं चाहती थी उन क्लिप्स को मैंने दोबारा से डिलीट किया। तो ये सब करते करते आज मुझे मतलब 2 घंटे लग गए, तो मेरे 2 घंटे उसमें बर्बाद हो चुके हैं और मैं कुछ व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई ज़्यादा। तो अभी सोच रही हूँ गाइस, मैं मतलब ये काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद मेरे दिमाग ने फ़िलहाल तो काम करना बंद कर दिया है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा माइंड। और अभी जा रही हूँ मैं होम क्लीनिंग करने के लिए, तो पहले मैं होम क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद गाइस स्नान करने के लिए जाऊँगी, उसके बाद आई थिंक पूजा करूँगी, तो देन उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो दोस्तों, क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने स्नान भी कर लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है और अब जा रही हूँ मैं लंच करने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 1:15 मतलब। तो चलो लंच कर लेती हूँ मैं और देखते हैं आज लंच में क्या बना है। तो दोस्तों, आज लंच में है ये छोले और आलू की सब्ज़ी और ये हैं रोटियाँ और ये सेम कल वही चिली सॉस है हमारी। वैसे दोस्तों, इस सब्ज़ी के साथ चावल खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बट आज चावल मैंने लिए नहीं हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ चावल खाना, बट हाँ कभी कभी लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा मतलब मन करता है। तो चलो मैं लंच कर लेती हूँ। तो अभी कर लिया है मैंने लंच और टाइम हो चुका है 1:45, 1:45 बज चुके हैं और लंच करने के बाद गाइस मुझे करनी थी एडिटिंग, जो मैं आज शाम को वीडियो पोस्ट करूँगी। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी कबर्ड लगा लूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने बस मैं कपड़े पहनती गई और ऐसे फेंकती गई, पहनती गई, डालती गई, फेंकती गई, मतलब तो मतलब ऐसे भरती गई मतलब उसमें मैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं, और कल मैंने कुछ कपड़े धुले भी थे तो सबको अच्छे से तह करके मैं वहाँ रख देती हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कबर्ड की हालत दिखाती हूँ, कितनी गंदी हो रखी है, डोंट माइंड। तो दोस्तों, ये है मेरी कबर्ड और मैं इसके हालात आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। तो ये देख लो, यहाँ पर कितना कुछ भरा पड़ा है, बट बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है, तो आज मैं इसको अभी सेट कर ले रही हूँ। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है गाइस, वो मैं आज क्लीन नहीं करूँगी, वो मैं कल करूँगी। और इसमें मेरी जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें मेरी सारी ज्वेलरी, मेरी हेयर एक्सेसरीज वो सारी रहती हैं, तो उसको मैं कल क्लीन करूँगी। अभी मैं ये सारी क्लॉथ लगा लेती हूँ, ये सारे कपड़े मैं सेट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर भी लगा दिया है मैंने इसको क्लीन करके, तो अभी सारे कपड़े मैं सेट करती हूँ यहाँ पे। तो गाइज, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसमें मेरे सारे सूट हैं, जो सलवार सूट मैं वेयर करती हूँ, तो इसमें सारे वो हैं।
तो इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसको मैं सबसे नीचे रखूँगी क्योंकि मैं ना डेली में सूट बेयर नहीं करती हूँ, मतलब सूट मैं ओकेजनली बेयर कर रही हूँ आजकल, तो इसकी वजह से मैं इसको सबसे नीचे रखूँगी। तो गाइज़ ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें भी मेरी सारी सलवार सूट और मेरी जो कुर्ती लेगी हैं, तो इसकी वजह से इसे भी मैं रखूँगी सेकेंड नंबर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कबर्ड लगा दी है, ये वाला जो सेक्शन है पूरा इसको मैंने लगा दिया है, अच्छे से सेट कर दिया है इस तरह से। तो गाइस सबसे ऊपर रखा है मैंने अपने टॉप को, जो मेरे टॉप हैं जींस के ऊपर बेयर करती हूँ जिनको मैं, तो उसको सबसे ऊपर रखा है मैंने उस बॉक्स को, और उसके बाद ये। तो मेरे सूट कुर्ती और जो अलग ड्रेसेस हैं वो सारी मेरी इन दोनों में हैं। एंड गाइस ये जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं ये मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, और आई थिंक 200 में मुझे 4 पीसेस मिल गए थे, 3 इधर है एक वहाँ पे है वो। तो दोस्तों जस्ट मैंने अभी अपनी कबर्ड लगा ली है, और उसके बाद गाइस अब मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए जो आज शाम को मुझे पोस्ट करना है। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4 बज चुके हैं और मैंने अभी तक एडिटिंग भी स्टार्ट नहीं की है। तो गाइस मुझे एडिटिंग करने में आज बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आप देख सकते हो 4 बज चुके हैं। तो अभी मैं एडिटिंग शुरू कर देती हूँ। एक्चुअली गाइस लेट थोड़ा सा इसलिए हो गई हूँ क्योंकि अभी मैं जब कबर्ड लगा रही थी तो चाची जी का फ़ोन आ गया, तो उनसे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने उनसे बात की जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट आई थिंक मैं कर लूँगी टाइम से वीडियो पोस्ट, क्योंकि मैंने थोड़ी सी एडिटिंग रात में कर ली थी। तो चलो गाइस मैं बाकी की एडिटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये है जेमी, कुछ खा लो। किसी को कुछ खाना नहीं है, बस पोज देनी है। ओहो कितना कठिन होता है इन लोगों से कुछ करवाना है। अब वैसे खाने के लिए तुरंत आ जाएंगे, अभी जब मुझे वीडियो बनाना है तब नहीं आ रहे हैं। खा लो भाई। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 6:30 और मेरी जो एडिटिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक 30 मिनट्स का टाइम मुझे और लगेगा, तो जिसमें मैं थंबनेल बनाऊंगी और थोड़ा सा टाइटल के बारे में सोचूंगी, एंड थोड़ी बहुत रीटचिंग बाकी होती है ना, एक बार मैं मतलब देख लूँ कि कहीं कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया है एडिट, या मुझे कुछ एडिट करना है तो बस एक बार मैं रिचेक कर लेती हूँ। तो उसके बाद गाइस मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं वॉक करने जाऊँगी तब। दोस्तों मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और टाइम हो चुका है 7:15, 7:15 पर मैं ऊपर आई हूँ और एडिटिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और वीडियो को अपलोडिंग पे भी लगा दिया है। तो वीडियो देखो अभी 10-15 में अपलोड हो जाएगा। एंड गाइस वीडियो का थंबनेल सब कुछ मैंने बना रखा है और टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ ऐड कर दिया है मैंने, तो अभी बस जस्ट उसको पब्लिश करना बाकी है, मतलब अपलोड हो जाए उसके बाद मैं तुरंत ही उसे पब्लिश कर दूंगी। तो आई थिंक आपको 7:45 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो, तो इस तरह से। और अभी आई हुई हूँ मैं छत पे वॉक करने के लिए, शाम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, बट मैं वॉक कर लेती हूँ फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों वीडियो हो गया है पोस्ट और उम्मीद करती हूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन भी पहुँच गया होगा और आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो को। तो अभी मेरी वॉक हो चुकी है कंप्लीट और जा रही हूँ मैं नीचे। टाइम हो चुका है 8:00, रात के 8 बज गए हैं और डिनर करने का टाइम भी हो गया है, मतलब मैं करूँगी डिनर समथिंग 8:30 पे। तो अभी जाऊँगी जब मैं नीचे तो पहले मैं थोड़ा सा टीवी देखूँगी और थोड़े से वीडियोज़ देखूँगी और थोड़ा सा इंस्टाग्राम वगैरह चेक करूँगी, और उसके बाद गाइस मैं डिनर करूँगी और देन सो जाऊँगी। आज तो बच्चे इतना शोर कर रहे हैं कि क्या बताएं, शूट ही नहीं करने दे रहे। आई थिंक गाइस आप समझोगे, माइंड मत करना, पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। खेलना तो ठीक है भाई, चिल्ला भी बहुत रहे हैं। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।